वर्ल्ड कप 2019 में एक और बड़ी टक्कर आप सभी को देखने को मिल सकती है। अभी भारत ने पाकिस्तान को हराया, उसे कुछ ही दिन बीते और अब एक और दिन ऐसा आ सकता है जब भारत पाकिस्तान आमने सामने हो सकते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में अपनी उम्मीदें कायम रख ली हैं। वर्ल्ड कप की अंक तालिका में पाकिस्तान 6 मैच खेलकर 2 जीत चुका है और एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। अभी 5 अंकों के साथ पाकिस्तान 7वें पायदान पर है। दूसरी ओर भारत अपने 9 अंकों के साथ 3रे नंबर पर है। विश्व कप में अब सारी टीमें अपने आधे से अधिक मैच खेल चुकी हैं। ऐसे में सभी टीमों की नजर सेमीफाइनल में बनी है। भारत इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं हारा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए ये बता दिया कि इस वर्ल्ड कप में उनकी दावेदारी मजबूत है। भारत ने पाकिस्तान को भी मात दी है। ऐसे में भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में एक बार फिर से चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हो सकता है। इसके लिए पाकिस्तान और भारत को अब से अपने सभी मैच जीतने होंगे। आइए समझते हैं ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि वो अगर अपने बचे सभी 3 मैच जीत लेता है तो ग्रुप स्टेज नंबर 4 पर ही रहेगी। अगर ग्रुप मैच में भारत अपने सभी मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर रहता है तो नियमों के अनुसार उसका मैच पॉइंट टेबल में 4थे नंबर वाली टीम से होगा। इस समीकरण से अंक तालिका में 4थे नंबर पर होने की वजह से पाकिस्तान का 1 नंबर पर रहने वाली टीम इंडिया से उसी मैनचेस्टर के मैदान पर सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है जहां टीम इंडिया ने ग्रुप मैच में उसे पटकनी दी थी। सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को अपने बचे 3 मैच जीतने होंगे। इसके अलावा उसे न्यूजीलैंड टीम के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। न्यूजीलैंड के फिलहाल 6 मैचों में 11 पॉइंट हैं और पाकिस्तान के 6 मैचों में 5 पॉइंट। न्यूजीलैंड अब तक मजबूत टीमों से नहीं भिड़ी है। न्यूजीलैंड को अपने अगले मैच पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ खेलने हैं, जबकि पाकिस्तान को अपने अगले 3 मैच न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं। ऐसे में पाकिस्तान की राह न्यूजीलैंड के मुकाबले थोड़ी आसान दिख रही है। पाकिस्तानी टीम अगर अपने 3 मैच जीत लेती है तो उसके 9 मैचों में 11 अंक हो जाएंगे। ऐसे में न्यूजीलैंड को अपने अगले 3 मैच हारने होंगे। इसके बाद भी दोनों के बीच अंक बराबरी पर रहे तो मामला नेट रन रेट के आधार पर तय होगा। न्यूजीलैंड यदि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार जाता है तो उसके 11 अंक ही रह जाएंगे। दूसरी ओर 11 अंकों के साथ पाकिस्तान 4थे नंबर पर उसके बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उसे अपने सारे मैच न सिर्फ जीतने होंगे बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा? अपनी राय जरूर रखिए। साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।